स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो ये वुमेन्स प्रीमियर लीग का 20वां मैच दिल्ली कैपिटल्स वुमेन वर्सेस गुजरात जायंट्स वुमेन की टीम के बीच में खेला जाएगा। इस मैच के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना ताकि आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छे समझ में आ जाए और आप लोग अपनी खुद से बेहतरीन टीम बना पाओ। तो सबसे पहले दोस्तों अगर डेट एंड टाइम की बात करें तो ये मैच 13 मार्च शाम 7:30 बजे से अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा। मैच फॉर्मेट की बात करें T20 का ये फॉर्मेट रहने वाला है। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि टॉस के बाद की सारी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलेगी और जो इस मैच की फाइनल टीम होगी वो भी टेलीग्राम पर ही देने वाला हूं। तो इस वजह से आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग जुड़ जाइए। लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट ऑर्डर मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो दोस्तों इस पिच की बात करें तो ओवरऑल ये बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छा विकेट रहता है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर यहाँ का 164 का रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो विकेट मिलते हैं वो स्पिनर को ज़्यादा मिलते हैं, तो उसी के हिसाब से आप लोग अपनी टीम क्रिएट करना। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस वेन्यू के बारे में थोड़ा सा और जाने, तो टोटल वुमेन्स T20 डोमेस्टिक के अभी तक 8 मैचेस यहाँ पे खेले गए हैं, जिसमें से 6 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 2 बार यहाँ पे चेसिंग करने वाली टीम जीती है। यानी कि जो टीम यहाँ पे टॉस जीतेगी वो यहाँ पे पहले बैटिंग करना चाहेगी, क्योंकि जो टीम यहां पे पहले बैटिंग करती है उसके जीतने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। अब हम लोग यहां पे स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो जो यहां पे टोटल 8 मैचेस खेले गए हैं उसमें से 2 बार 150 के बिलो स्कोर रहा है, 2 बार 150 से 169 के बीच में गया है, 1 बार 170 से 189 के बीच में रहा और 3 बार यहां पे 190 के ऊपर भी स्कोर जा चुका है। तो आप लोग यहां पे साफ साफ देख के समझ सकते हो ये बैटिंग के लिए कितना अच्छा विकेट रहता है। अब हम लोग यहां पे पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो जो लास्ट 5 वुमेन्स T20 के मैचेस वेन्यू पर खेले गए हैं अगर आप लोग उनमें देखोगे तो यहाँ पे 21 विकेट पेसर्स को मिले हैं, वहीं 40 विकेट स्पिनर ने निकाले हैं। तो वुमेन्स के मैच में हमेशा स्पिनर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उसी के हिसाब से आप लोग अपनी टीम क्रिएट करना। अब यहाँ पे दोस्तों जो इसी सीरीज के यहाँ पे मैचेस खेले गए हैं उन मैचेस का आप लोग यहाँ पे स्कोर कार्ड भी देख सकते हो ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा और समझ में आए। तो इस सीरीज के जो यहाँ पे टोटल 8 मैचेस खेले गए हैं अगर आप लोग उनमें से मोस्टली मैचेस देखोगे तो यहाँ पे अच्छे खासे स्कोरिंग रहे हैं। सिर्फ 2 ही मैच यहाँ पे ऐसे रहे हैं जिनमें कम स्कोर बनाए। एक तो यहाँ पे लास्ट वाला मैच हुआ जो कि MI वुमेन की टीम ने पहले बैटिंग कर तो यहाँ पे काफी खराब खेला, इस वजह से सिर्फ यहाँ पे 113 रन बना पाई, पूरे 20 ओवर भी ये नहीं खेल पाई। और यहाँ पे चेसिंग वाली टीम ने 115 बनाकर इसको चेस किया। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर 138 बने, तो 2 ही मैचेस यहाँ पे लो स्कोरिंग रहे, बाकी इनके अलावा सब में अच्छा खासा स्कोर बनाए। तो ओवरऑल आप लोग अपनी टीम एक बैटिंग विकेट माने के ही बनाना तो आपकी एक अच्छी टीम यहां पे बन पाएगी। अब यहां पे दोस्तों हम लोग पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स वुमेन की टीम के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों पहले हम लोग दिल्ली कैपिटल्स वुमेन की टीम की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स वुमेन की टीम ने टोटल यहाँ पे 7 मैचेस अभी तक खेले हैं, जिसमें से 5 जीते हैं 2 हारे हैं, यानी कि काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। अब हम लोग यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स वुमेन की टीम की प्लेइंग 11 और प्लेयर स्टार्ट्स के बारे में जानने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना ताकि आपको यहाँ पे हर एक प्लेयर के बारे में अच्छे समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात करें मेग लनिंग की, काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, 37 का एवरेज रखती हैं, अच्छी बल्लेबाज हैं और रिसेंट में भी काफ़ी गजब का परफॉर्मेंस रहा है, तो मस्ट पिक है, अपनी टीम में लेके जरूर चलना है। शेफाली वर्मा राइटी बैटिंग करती हैं, ऑफ ब्रेक बॉलिंग कराती हैं, इनके अगर आप अगर हम लोग इनकी बात करें तो हिट और मिस टाइप की प्लेयर हैं, चलती हैं तो काफ़ी अच्छा करती हैं या जल्दी जाती हैं, तो इसी तरह की ये बल्लेबाज हैं। जमीमा की बात करें राइटी बैटिंग करती हैं, 29 का एवरेज है, अच्छी प्लेयर हैं और लास्ट के अगर आप 3 में से 2 मैचेस देखोगे तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है। उससे पहले यहाँ पर रिसेंट उतना अच्छा नहीं रहा पर लास्ट के 2-3 मैचेस में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, तो प्लेयर ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोग लेके जा सकते हो। एलिस कैप्सी यहाँ पर आपको 1-1 ओवर की बॉलिंग दे रही हैं और बैटिंग भी यहाँ पर ठीक ठाक करती हैं, ओवरऑल ये भी इंपॉर्टेंट है। मर्जीना कैप की बात करें राइटी बैटिंग करेंगी, राइटर मीडियम बॉलिंग कराती हैं, 4 ओवर आपको देती हैं और अच्छी खासी बैटिंग भी देती हैं, तो ये आपकी कैप्टनसी की बेस्ट ऑप्शन रहने वाली हैं। जेस जोनासन की बात करें लेफ्टी बैटिंग लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कराती हैं, ये भी आपको लगभग 3 से 4 ओवर की बॉलिंग देने वाली हैं और बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेती हैं। इनके अलावा यहाँ पे अरुद्धाती रेड्डी हैं, राइटर मीडियम फास्ट बॉलिंग डालती हैं, 26 मैचेस में 18 विकेट हैं। इस सीरीज में अगर आप इनका भी देखोगे तो लगभग ठीक ठाक सा इनका भी परफॉर्मेंस रहा है, लगातार इन्होंने भी यहाँ पे विकेट ठीक ठाक निकाला और बॉलिंग भी लगभग 3 से 4 ओवर कराई है, तो इनको भी आप लोग यहाँ पे फर्स्ट बॉलिंग में लेके जा सकते हो। राधा यादव है, सर
68 मैचेस में 68 विकेट हैं। रिसेंट देखोगे लगभग ठीक ठाक सा इनका भी रहा है, तो इनको भी आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। अच्छी स्पिनर है। शिखा पांडे को फर्स्ट बॉलिंग में लेके जा सकते हो, अच्छी खासी बॉलिंग कराती हैं और लगभग 3 से 4 ओवर डालती हैं, तो इस वजह से आप लोग इनको भी ट्राई कर सकते हो। तान्या भाटिया सिर्फ विकेट कीपिंग के लिए ही खेलती हैं, कोई खास स्टार्स इनका नहीं है। बाकी यहाँ पे साधु हैं, 7 मैचेस में 8 विकेट हैं। इस सीरीज में अगर आप इनका देखोगे 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, इस तरह का इनका परफॉर्मेंस रहा है, तो इनके ओवर भी कट जाते हैं, इस वजह से इनको स्मॉल लीग में ट्राई करना रिस्की है, पर आप लोग जीएल में कर सकते हो, ये भी एक अच्छी बॉलर है। बाकी यहाँ पे जो बेंच पर बैठने वाले हैं उन सबका आप लोग यहाँ पे स्टार्स देख के चल सकते हो। बाकी इनमें से कोई भी खेलता है तो उसका स्टार्स आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिल ही जाता है, तो उसके लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं गुजरात जायंट्स वुमेन की टीम के बारे में। तो दोस्तों गुजरात वोमेन की टीम की बात करें तो गुजरात वोमेन की टीम ने भी यहाँ पे 7 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 2 जीते हैं, 5 आ रहे, तो इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। अब हम लोग यहाँ पे गुजरात जायंट्स वोमेन की टीम की प्लेइंग 11 और प्लेयर स्टार्ट्स के बारे में जानने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, ताकि आपको यहाँ पे हर एक प्लेयर के बारे में अच्छे समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात करें बेथ मुनी की, अपने टीम की कैप्टन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, 41 का एवरेज रखती हैं, T20 की काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाज हैं। लास्ट के 3 मैचेस में अगर आप देखोगे काफ़ी तगड़ा इनका स्कोर रहा है, उससे पहले लगातार फ्लॉप रही हैं, यानी कि उससे पहले फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है, पर लास्ट के 3 मैचेस में तीनों मैचेस में 50+ में स्कोर किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लौरा की बात करें, राइटी बैटिंग करती हैं, 34 का एवरेज है, ये भी T20 की अच्छी बल्लेबाज है और अच्छा खासा इन्होंने किया भी है। हेमलता है, राइटी बैटिंग ऑफ ब्रेक बॉलिंग कराती हैं, 15 मैचेस में 90 रन हैं, 9 विकेट है। इस सीरीज में देखोगे एक मैच में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, बाकी के में फ्लॉप रही, पर अभी ये टॉप ऑर्डर में आ रही है तो आप लोग ट्राई करना चाहो कर सकते हो। लिचफील्ड का फॉर्म खराब है, पर प्लेयर ये भी काफी अच्छी है, तो इनको आप लोग जीएल स्मॉल लीग दोनों में ट्रंप पिक के तौर पर ट्राई करना चाहो कर सकते हो। गार्डनर आपको लगभग 4 ओवर देती हैं, अच्छी खासी बैटिंग भी करती हैं, तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा यहाँ पे देखोगे भारती फुलमैली, इनको जीएल में एक आदमी ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग के लिए उतनी अच्छी नहीं रहेंगी। कैथियन ब्राइस हैं, फर्स्ट बॉलिंग में लेके जा सकते हो, लगभग 3 से 4 ओवर डालती हैं अगर बॉलिंग खराब ना कराएं, यानी कि काफ़ी अगर पिटाई ना हो तो अच्छी खासी ये बॉलिंग भी कराती हैं और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती हैं। तनुजा कानवर हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कराती हैं, परफॉर्मेंस देखोगे इनका भी काफ़ी अच्छा रहा है, लगातार 4-4 ओवर डाल रही हैं, तो ये भी एक आपकी अच्छी चॉइस है। बाकी यहाँ पे शबनम शकील हैं, 6 मैचेस में 7 विकेट T20 में ले चुकी हैं, इस सीरीज में 2 मैचेस खेले हैं जिसमें 4 विकेट और बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी कराई है, तो इनको भी हम लोग यहाँ पे फर्स्ट बॉलिंग में ट्राई कर सकते हैं, लगभग 3 से 4 ओवर डाल रही हैं। इनके अलावा मेघना सिंह हैं, थोड़ी सी एवरेज प्लेयर हैं और परफॉर्मेंस भी देखोगे तो 2 मैचेस में यहाँ पे इन्होंने 5 विकेट निकाले हैं, यानी कि इस सीरीज में अभी इन्होंने टोटल 7 मैचेस खेले हैं जिसमें 7 में से 5 मैच में विकेट लेस रही हैं, 2 ही मैचेस में इनको विकेट मिले हैं, तो आप ये चीज़ भी यहाँ पे देखे चल सकते हो। बाकी यहाँ पे मन्नत कश्यप हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कराती हैं, 9 मैचेस में 15 विकेट हैं, अच्छा स्टार्स रखती हैं, इस सीरीज में हालांकि उतना अच्छा नहीं कर पाई हैं, तो इनको आप लोग जीएल में ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो बेंच पर बैठने वाली हैं उन सबका आप लोग यहाँ पे स्टार्स देख सकते हो, बाकी इनमें से कोई भी खेलता है तो उसका स्टार्स आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिल ही जाता है। अब हम लोग यहाँ पे दोनों टीम्स के हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो दोनों टीम्स ने हेड टू हेड में टोटल यहाँ पे 3 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 2 दिल्ली वुमेन की टीम ने जीते हैं, 1 यहाँ पे गुजरात वुमेन ने जीता है, तो ये दोनों टीम का हेड टू हेड में अभी तक का रिकॉर्ड रहा है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टॉप पिक्स बाई हेड टू हेड, यानी कि कौन कौन से वो प्लेयर हैं जो हेड टू हेड में अच्छा करती हैं, अच्छा खेलती हैं, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे शेफाली वर्मा, 3 मैचेस खेले हैं जिसमें 97 रन हैं, 48 का एवरेज है, 48 का एवरेज है, अच्छी खिलाड़ी है। मेघ लनिंग का देखोगे 3 मैचेस में 94 रन हैं, 47 का एवरेज है। इनके अलावा यहाँ पे गार्डनर का अच्छा है, 3 मैच में 91 रन हैं, 45 का एवरेज है, प्लस 4 विकेट भी हैं, तो अगर यहाँ पे गुजरात वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तो ये आपकी कैप्टनसी की भी अच्छी ऑप्शन रहने वाली है, यानी कि कैप्टन भी आप लोग इनको करके जा सकते हो, अच्छी ऑप्शन है। इनके अलावा यहाँ पे कैप का देखोगे 2 मैचेस में 36 रन हैं, 6 विकेट है, तो कैप का भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। जेस जोनाथन के 3 मैचेस में 5 विकेट हैं, इनके अलावा मेघना सिंह का 1 मैच में 4 विकेट, तो मेघना सिंह ने इसी टीम के खिलाफ 1 मैच इसी सीरीज में खेला है जिसमें 4 विकेट निकाले हैं, तो आप ये चीज़ यहाँ पे देख के चल सकते हो। तो दोस्तों इस मैच के बारे में अब हम लोगों ने यहाँ पे सब कुछ जान लिया, अब हम लोग अपनी टीम देख लेते हैं जो फिलहाल मैंने इस मैच की आप लोगों के लिए बनाई हुई है, पर फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि टॉस के बाद जो मेरी फाइनल टीम होगी वो टेलीग्राम पर ही मिलेगी, तो जुड़ जाना, लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए अब हम लोग अपनी टीम देख लेते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों विकेट कीपिंग में आपको यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है, यहाँ पे मैंने बैथ मुनी को लिया और बेस्ट ऑप्शन आपकी विकेट कीपिंग में यही रहेंगे, इनको ही लेके चलना है। भाटिया सिर्फ विकेट कीपिंग के लिए खेलते हैं, बल्लेबाजी इनकी आती नहीं और वैसे भी ओवरऑल उतनी अच्छी खिलाड़ी नहीं है, तो यहाँ पर मुनी के साथ जाना है, मैंने इनको ही लिया है। बैटिंग सेक्शन में देखोगे यहाँ पर मैंने मैग लनिंग को लिया है, सैफाली वर्मा को लिया है, इनके अलावा लॉरा को लिया है। अब इनके अलावा यहाँ पर रॉड्रिग्यू का आपके पास ऑप्शन है, रिसेंट में अगर आप देखोगे लास्ट के 2-3 मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अच्छी प्लेयर है, इनको भी आप लोग यहाँ पर लेके जा सकते। तो इनके अलावा लिच फील्ड का ऑप्शन है, रीसेंट उतना अच्छा नहीं है पर प्लेयर इंपॉर्टेंट है, कभी भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो इनको आप लोग जीएल स्मॉल लीग दोनों में ट्रंप पिक के तौर पे ट्राई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए लॉरा को लिया है। अब इनके अलावा देखोगे हरलीन अवेलेबल नहीं है, हेमलता यहाँ पे टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप लोग चाहो जीएल स्मॉल लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो, ठीक ठाक प्लेयर है और एक मैचेस में काफी अच्छी इनकी पारी भी रही है, तो इनको भी आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे फूल माली स्मॉल लीग के लिए उतनी अच्छी रहेंगे नहीं, जीएल की टीम आप लोग ट्राई करना चाहो कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे तो मैंने फिलहाल के लिए इन तीनों को लिया, अब हम लोग यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पे 5 ऑलराउंडर्स को पिक किया है, यहाँ पे मैंने एम कैप को लिया है, गार्डनर को लिया है, कैप्सी को लिया है, जोनाशन को लिया है, इनके अलावा यहाँ पे मैंने नीचे ब्राइस को लिया है, तो इन 5 ऑलराउंडर्स को मैंने यहाँ से पिक किया। अब इनके अलावा यहाँ पे सदरलैंड खेल जाती हैं, तो ये भी एक अच्छी ऑलराउंडर है, बाकी इनमें से अभी कोई खेल नहीं रहा है, बाकी इनमें से कोई भी खेलता है तो उसका स्टार्स आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा, अभी मेरे हिसाब से कोई नहीं खेलने वाला, तो फिलहाल मैंने इन 5 को पिक किया है। अब यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में देखोगे तो यहाँ पे मैंने राधा यादव को लिया है, इनके अलावा टी कानवर को लिया है, जिनका रिसेंट अच्छा रहा है और अच्छी प्लेयर है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी किया है। इनके अलावा देखोगे रेड्डी का ऑप्शन है, लगभग 3 से 4 ओवर डालती हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग भी करती हैं। शिखा पांडे को फर्स्ट बॉलिंग में लेके जा सकते हो, ये भी लगभग 4-4 ओवर की बॉलिंग कराती हैं और अच्छी प्लेयर है, तो इनको भी ट्राई कर सकते हो। एम सिंह ने लास्ट मैच जो इन्होंने हेड टू हेड में खेला था उसमें 4 विकेट निकाले थे, तो इनको जीएल में ट्राई कर लेना अगर गुजरात वुमेन की टीम पहले बॉलिंग करे। बाकी यहाँ पे शकील का देखोगे दोनों मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, अगर आप यहाँ पे इनका देखोगे तो 2 मैचेस में 4 विकेट निकाले, 42 के एवरेज से लगभग इन्होंने पॉइंट दिए हैं, तो इनको भी हम लोग यहाँ पे फर्स्ट बॉलिंग में ट्राई कर सकते हैं। साधु को जीएल में ट्राई कर सकते हो, अच्छी प्लेयर है पर ओवर कट जाते हैं, इस वजह से स्मॉल लीग में रिस्की है। मन्नत कश्यप को भी जीएल में ट्राई कर लेना, ओवरऑल ये भी ठीक ठाक प्लेयर है, तो ये लोग आपके जीएल के रोटेट जीएल में आप लोग इनको रोटेट कर सकते हो, अच्छे ये आपके जीएल के अच्छे पिक रहेंगे। बाकी शकील आप यहाँ पे इनको स्मॉल लीग जीएल दोनों में ट्रंप पिक के तौर पर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि काफी अच्छी बॉलिंग कराई और विकेट भी निकाले हैं, तो इनको हम लोग यहाँ पे लेके जा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों जो मेरी यहाँ पे टीम बन रही है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। अब यहाँ पे मैंने अपनी कप्तानी एम कैप को दिया, वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पे गार्डनर को किया है, मैं इनको रिवर्स भी कर सकता हूँ। इनके अलावा जो आपके पास अदर ऑप्शन यहाँ पे सीवीसी के रहेंगे वो यहाँ पे जोनासन रहेंगी, इनके अलावा बी मुनी रहेंगी, जिस तरह से लगातार लास्ट के 3 मैचेस से परफॉर्मेंस रहा इनको कर सकते हो, और इनके अलावा बैटिंग में देखोगे तो लनिंग, ये 5ों बेस्ट ऑप्शन सीवीसी की रहने वाले हैं, आप लोग इनमें से जिसको करना चाहो कर सकते हो। फिलहाल मेरी ये टीम है, अगर इस टीम में कुछ भी चेंज होगा तो आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, तो उसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट ऑफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।